नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट करनाल से। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों में डायपर कैसे यूज करें, कौन से डायपर यूज करें, कौन से डायपर सबसे अच्छे हैं बच्चे के लिए। तो मैं आपसे आपको बताता हूँ, ये डायपर हैं कॉटन के डायपर। ये पौना मीटर बाय पौना मीटर का कपड़ा है। ये तीन साइज में आते हैं, एक इससे थोड़े छोटे, ये मीडियम साइज है, एक इससे बड़ा साइज आता है। ये टिनी केयर कंपनी के हैं, वैसे और कंपनी के भी मिलते होंगे। तो ये ट्रिपल फोल्ड डायपर कहते हैं इनको। इसमें क्योंकि कपड़ा कॉटन का है, खद्दर का कपड़ा है, तो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन रहता है, इसमें स्किन का डैमेज नहीं होता। ये पहले हमने सिंगल फोल्ड कर लिया, अब हमने डबल फोल्ड कर लिया, अब हम इसका ट्रिपल फोल्ड करेंगे। ऐसे रखें, ऐसे ऐसे, फिर तीन बार फोल्ड कर देंगे इसे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करके और इसकी सेफ्टी पिन लगा देंगे यहाँ पे, जिससे कि बच्चे को इजीली उसको रैप कर ले। तो अगर हमें लगता है कि बच्चे का लिक्विड इंटेक ज्यादा है या सफर में कहीं जाना है, रात का टाइम है, तो इसके बीच में एक और डायपर रख सकते हैं, जैसे नैपकिन की तरह से ऐसे करके फिर से यूज कर सकते हैं। तो इन डायपर में ये फायदा है कि इनमें वेंटिलेशन स्किन का अच्छा रहता है, तो स्किन में रैशेज नहीं होते बिल्कुल भी, और स्किन को ब्रीदिंग मिलती रहती है, और फिर एरिया ड्राई इजीली हो सकता है, और जब भी थोड़े गीले होते हैं तो बच्चे को पता लग जाता है और बच्चा हिंट देता है, और जिसे कि हम चेंज कर दें इसे। और वैसे ये सोप भी कर लेते हैं, शुशु पोटी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और फिर हम चेंज भी कर सकते हैं। बाकी इनसे, इन डायपर से स्मेल नहीं होती जब हम बच्चे की पोटी शुशु को क्लीन करते हैं, क्योंकि उस डायपर में जो सिंथेटिक डायपर होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल के, तो उन डायपर में प्यूट्रीफेक्शन ज्यादा हो जाता है और स्मेल होती है। इनमें स्मेल नहीं होती क्योंकि वेंटिलेशन अच्छा रहता है, तो ये डायपर बड़े इजी रहते हैं। जब हम लोग दिल्ली में थे, बेटा हुआ था उसमें, तो हम लोग ऐसे 20 डायपर ले आए थे, आज से 22 ईयर्स बैक, तो वो एक दो साल चल भी गए, और इनको रीयूज भी कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि सब लोग ऐसे कॉटन के डायपर यूज करें, सूती डायपर। दिन में तो रिमोट भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सफर में या रात के समय में जब जरूरत पड़े तो ऐसे डायपर यूज कर सकते हैं। जब भी 2-3 घंटे के बाद जब चाहे चेंज भी कर दें, और दिन भर में 2-3 बार 4 बार ऐसे यूज करने पड़ सकते हैं। तो आप भी कमेंट दें इसके बारे में, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पे जगदम्बा बेबी के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर लिखा है, तो फ़ोन करके कमेंट भी करें और डिस्कस भी करें। और मैं चाहता हूँ कि भाई आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें, जिससे कि कम्युनिटी में सही नॉलेज को, सही इन्फॉर्मेशन को हम स्प्रेड कर सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबाएं, जिससे कि इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ जब भी डिलीवर हों, रिलीज हों, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।